अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्स विद मी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में रहते हुए ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो हमारे इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स विद मी को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ तरीके बताऊंगा जिनसे लोग अर्निंग कर रहे हैं और आप भी जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि लोग कैसे अर्निंग कर रहे हैं। सबसे पहले लोग जो है ब्लॉगिंग से अर्निंग करते हैं, उसके बाद जो है यूट्यूब से अर्निंग करते हैं, उसके बाद जो है फेसबुक से भी अर्निंग करते हैं। फेसबुक से अर्निंग कैसे करते हैं कि फेसबुक पर वो पेज बनाते हैं और पेज बनाकर वो जो है अपना फेसबुक पेज पर 10,000 फॉलोअर्स कर लेके आते हैं और 6 लाख मिनट्स का वॉच टाइम पूरा करते हैं। उसके बाद जो है वो पेज को मोनेटाइज कराते हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है। वो करवाने के बाद वो उससे अर्निंग करते हैं व्यूज के हिसाब से, जैसे जैसे व्यूज आते हैं वैसे अर्निंग करते हैं। दूसरा है यूट्यूब। यूट्यूब आजकल बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे लोग जो है हर बंदा तकरीबन सेलिब्रिटीज भी यूट्यूब पर आ रहे हैं और अपने यूट्यूब चैनल्स क्रिएट करते हैं और उनसे अर्निंग करते हैं। यूट्यूब पर क्या क्राइटेरिया है कि 1,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4,000 वॉच टाइम होना चाहिए। तो आप अपने चैनल बनाकर उसको मोनिटाइज करवा कर उससे अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉग जो है वर्डप्रेस या फिर इसके अलावा ब्लॉगर या किसी भी ब्लॉग से लोग कैसे अर्निंग करते हैं कि अपना ब्लॉग बनाते हैं वर्डप्रेस या ब्लॉगर पर, तो उसको जो है एडसेंस के अटैच करके मोनेटाइज करते हैं और वो आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, तो उससे भी वो अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कर लेते हैं। उसके बाद जो है लोग शॉर्टकट तरीके बहुत सारे करते हैं, शॉर्ट लिंक से अर्निंग करते हैं या फिर वो एप्लीकेशन फेक वेबसाइट्स होती हैं उनसे अर्निंग करते हैं, लेकिन वो लाइफ टाइम नहीं होती, वो थोड़ी बहुत देर चलती है तो वो उसके बाद वो बंद हो जाती है। उसके लिए उसके बाद जो है काफ़ी सारे और भी तरीकेकार होते हैं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, अमेजोन के साथ कर सकते हैं, बैंगूड.com के साथ कर सकते हैं, अलीबाबा.com के साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप पाकिस्तान में रहते हुए दराज से जो है आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं कि मैंने वीडियो बनाई हुई थी कि वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई हुई है कि आप दराज पर जो है खुद का स्टोर भी बना सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसे कमा सकते हैं। इस पर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अब पूरा एक कोर्स अपलोड करेंगे कि आप daraz.pk से अच्छी खासी अर्निंग कैसे कर सकते हैं घर बैठे हुए इन्वेस्टमेंट के साथ और विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ तरीके थे कि जिन तरीकों से लोग भी अर्निंग कर रहे हैं और आप भी पाकिस्तान में रहते हुए अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स विद मी को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक करें। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।